मॉडलिंग की दुनिया में लाइट्स और कैमरा तो जरूर होते हैं, लेकिन शायद एक्शन की थोड़ी कमी है। इसलिए मॉडल आदित्य बाल अब मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ मुड़ चुके हैं। डिजाइनर रोहित बाल के भांजे होने के बावजूद आदित्य ने हमेशा से ही अपने कदम खुद उठाए हैं और एक्टिंग की दुनिया में एंट्री पाने के लिए भी उन्होंने अपने अंकल से कोई मदद नहीं ली। अब आदित्य की पहली फिल्म रिलीज होने वाली है, तो इस मौके पर पूछते हैं उनसे कि आखिर एक्टिंग ही क्यों। फिल्म आशिका से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले आदित्य बाल ने जवानी की दहलीज पर पहुंचते ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। मैं एक्टर बनने निकला हूं और कौन सा माध्यम है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जिंदगी में सिर्फ एक चीज करना चाहता हूं और वो है एक बेहतरीन एक्टर बनना चाहता हूं। एक एक्टर की के होने के नाते मुझे टेलीविजन, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, थिएटर, कोई भी जो मीडियम हो उसमें मैं काम करना चाहूँगा। जब अंकल रोहित बाल नोन फैशन डिजाइनर हैं, तो फिर आदित्य फैशन डिजाइनिंग में अपना फ्यूचर क्यों नहीं ढूंढते? मैं समझता हूँ कि मॉडलिंग के बाद आदमी के लिए एक 9 to 5 जॉब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेंटली एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है, तो इसीलिए मैंने वही कदम रखा जिस तरह से मेरे बहुत सारे दोस्तों ने रखा। जो मुझे काम मिला है उसको मैं 100% या 150% अगर करूं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ऑडियंस को और सारे बैनर्स को ये चीज़ दिखेगी।